एपिसोड के स्टार्टिंग में मोगुआ कहते हैं कि उनके ब्रदर्स को इंजर्ड करने के लिए मोनास्टी को इंसल्ट करने के लिए उसे सजा मिलेगी। तो जिनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो इंतजार किसका किया जा रहा है, आगे बढ़कर हमला करो। और वो अपने स्नोफ्लावर को लेकर तैयार हो जाता है। तभी एसेटिक्स आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, पर उसके बस ब्लेड निकालने के प्रेशर से सभी उड़कर पीछे चले जाते हैं, जो देखकर मोगुआ को एक शॉक लगता है कि आखिर एक ब्लेड को निकालने के प्रेशर से सभी इतने दूर कैसे उड़ सकते हैं, जबकि वो सभी फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। पर वो एसेटिक्स फिर से आकर हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें जिनमू एक बार फिर से एक स्विंग से उड़ा देता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे कि जिनमू उसके तरफ देखे बिना ही उसे पकड़ लेता है और उसके ब्लेड को तोड़ देता है। और अपने सामने ये सब देखकर मोगुआ के होश उड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो तो देखे बिना ही लोगों को डाउन करे जा रहा है, मतलब वो जरूर मार्शल मास्टर है। तभी मोगुआ दूसरे एसेटिक्स को कहता है कि जिनमू गोंगडो मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हमला करो तुम्हारे पास जो भी है उसका इस्तेमाल करके। और वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर मोगुआ उन सभी को ही मना करते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुम लोग उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर वो सभी फिर भी उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जिनमू उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता, बस उनके बीच में से स्पीड से गुजर जाता है और उसके स्पीड से इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि सभी गोल गोल घूमने लगते हैं। मोगुआ गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हमारे साथ ऐसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें लगा मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। और फिर वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उसे जो करना था उसने कर लिया है, अब उसके मरने की बारी आ गई है। और वो कहते हैं कि वो ये काम एक ही हिट में कर देंगे, 5 एलिमेंट स्प्रेड ऑफ द डेस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके। और वो उसके ऊपर पूरे फोर्स से हमला भी करते हैं, पर जिनमू उनके हमले को डोज करके कप का पीछा आ चुका था, जिस वजह से मोगुआ लास्ट ऑफ द लूनर स्काइज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि जिनमू बड़े आसानी से अपने ब्लेड से रोक देता है। तभी हमें सियोइन और जिनसोंग को दिखाया जाता है, जो कि फायर दूर से ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसका ओपोनेंट ऐसे वैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट है नहीं, वो सभी मोनास्ट्री के फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। और वो सभी एक साथ हमला करके उसके बॉडी को तो छोड़ो उसके कपड़ों में भी स्क्रैच लगा नहीं पाए हैं, और वो उन्हें मार मार कर ऐसे उड़ा रहा है जैसे मानो वो कोई तूफानी हवा हो और वो सारे झड़े हुए पत्ते। जिनसोंग बताते हैं कि मोरिम वर्ल्ड में ऐसा होता है कि लोग अपने ट्रू पावर्स को छुपाते हैं और इन्हें रेस्पेक्टेड बींग्स कहा जाता है। जो भी हो, ये सभी काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि हम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं, और इस वजह से मैडम ताइते उन लोगों के ऊपर ज्यादा नजर रखती है जो कि ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करते। सियोइन फिर कहती है कि आखिर ये लड़का है कौन। जिनसोंग बताते हैं कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है, पर मिस्टर हुआंग कहाँ से है उन्हें याद नहीं आ रहा। वहीं पर आयरन ब्रिगेड भी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि शायद जिनमू अकेला ही पूरे गोंगटो मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है, और वह भी जिनमू के पावर को देखकर काफी हैरान हो रहे थे। यक्रेन फिर कहती है कि सारे एसेटिक्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जिनमू के सामने कोई चांस ही नहीं बनता, और हो सकता है कि सुनने में बुरा लग सकता है, पर वो सभी एसेटिक्स का सामने टेक नहीं सकते, बस उनका लीडर ही है जो कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो यक्रेन को लग रहा है कि जिनमू में काफी दम है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है। उसके बाद सुनकर मोगुआ सोच रहा था यक्रेन जो कि खुद को लेकर काफी प्राइड करती है, वो भी जिनमू की इतनी रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब उन्हें जल्दी से लीडर के साथ मिलकर रिग्रुप करना होगा। यहाँ पर जिनमू और मोगुआ के बीच में फाइट चल रही थी, पर फोर्स सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा था और वो है मोगुआ। जिनमू तो बस आराम से उनके हमलों को रोके जा रहा था, और उसका यह बढ़ता हुआ देखकर मोगुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो बस उनके हमलों को रोक रहा है, पलटकर हमला नहीं कर रहा। इसलिए मोगुआ उसे कहते हैं कि उसके पास जो भी है जितने फोर्स है उसका इस्तेमाल करके लड़ाई करने को, और वो सिंगल ब्लेड ऑफ द हेवेंस को लेकर तैयार हो जाते हैं। जिनमू कहता है अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी बहुत साल हो गए हैं मुझे कोई टफ कंपटीटर मिले हुए, पर अगर आप मेरे ट्रू पावर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे ट्रू पावर दिखाऊंगा। और वो शैडो ब्लेड ऑफ द एंड एंड स्पिरिट ऑफ द फॉलन स्टार को यूज करता है, पर बस उसके हमलों को फोर्स को देखकर मोगुआ उसके सामने घुटने टेक देते हैं, और जिनमू उनका गला काटने ही वाला था तभी वहीं पर ताइप्यूंग और सोरिंग आ जाते हैं, और ताइप्यूंग जिनमू को रुक जाने को कहते हैं, और जिनमू उनकी बात सुनकर रुक भी जाता है। और फिर उनकी पूरी बात सुनने के बाद मोगुआ को पता चलता है कि आखिर बात क्या हुई थी, और उन्हें यह भी पता चलता है कि जब वो सिक्लूजन ट्रेनिंग में गए हुए थे तभी ताइप्यूंग के मेरेडियंस को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया। ताइप्यूंग ने मोनास्ट्री के बहुत से लोगों को मार दिया है क्योंकि उनकी के डीमोनिक की में बदल गई है, और इस वजह से उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया है। मोगुआ को इस बात पर बिलीव करना काफी मुश्किल हो रहा था, पर उनके पास कुछ नहीं था कि वो मना कर पाए, और उन्हें कभी मुहे के ऊपर शक भी नहीं हुआ जिन्हें कि वो अपना भाई कहते हैं, वो कभी कुछ ऐसा करेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया, और उन्हें जो कहानी सुनाई गई उन्होंने इस पर बिलीव कर लिया, और उन्हें बिलीव करवाया गया था कि ताइप्यूंग ने डेमोनिक की का यूज किया है और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। पर उन्हें यह बात मानने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ताइप्यूंग हाइस्ट पीक ऑफ द गोंगडोंग रह चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों करेंगे, पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कि वो काउंटर कर सके। पर अब ये सारी बातें जानने के बाद मोगुआ को काफी बुरा लग रहा है। मोगुआ ताइप्यूंग से पूछते हैं कि उन्होंने आखिर इसके खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाया, वो जाकर इसके बारे में मास्टर ताई से बात कर सकते हैं,
या फिर जाकर सेट के एल्डर से बात कर सकते हैं, या फिर वो उनके पास भी जाकर इसके बारे में कह सकते थे, क्योंकि जब उनके साथ ये सब किया गया तब उनके पास इतने पावर थे कि वो इनमें से कुछ भी कर सकते थे। ताइपिंग बताते हैं कि वो सबसे काफी थक चुके थे। मोनेस्ट्री में उनकी जो पोजीशन थी वो उससे पर एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो जितने ऊपर जाते जा रहे थे लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उनसे जलने लग रहे थे। इस सब की वजह से उनकी लाइफ पूरी खराब हो गई थी और इस सब की वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई थी और वो पूरे अकेले हो गए थे। पर उनके समय पर अपने वाइफ से मुलाकात हुई जो कि उनके साथ रही, उनका सपोर्ट करी। तभी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें मोनेस्ट्री में रहने का कोई पॉइंट नहीं रह गया है, इसलिए उन्होंने अपने सबको छोड़ दिया ताकि वो अपने फैमिली के साथ एक शांति से जिंदगी बिता पाए। पर इस सब के बाद भी उन्हें अकेला छोड़ा नहीं गया। दूसरा एसेटिक तभी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और वो ना ही ताइपिंग और उनके फैमिली को हार्म करना चाह रहा था। ये सारा प्लान मुहे का था और उसे फोर्स किया गया था सबको फॉलो करने के लिए और उसके पास रिफ्यूज करने का कोई चारा नहीं बचा था। तभी मुहे कहता है कि जब सब कुछ बाहर ही आ गया है तो उसे भी कुछ कहना है। मोगवंग एक इग्नोरेंट बास्टर्ड है जो कि बस मार्शल आर्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है या फिर सेट में क्या चल रहा है। ये काफी पैथेटिक है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो नेक्स्ट सेक्रेटरी बने जा रहे हैं। और मुहे ने जब ये बात सुनी थी कि ताइपिंग भी नेक्स्ट सेक्रेटरी बन सकता है, उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, इसलिए उसने ये सब करा था कि एटलीस्ट मोगवंग नेक्स्ट सेक्रेटरी बन जाए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने मोगवंग के लिए कितना कुछ करा है, पर वो इसकी कोई परवाह नहीं करते और उसे यहाँ पर ऐसा थ्रेट दे रहे हैं। उसने अभी तक जितना करा है उसे सेक्रेटर बनना चाहिए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और हर किसी को ये सब करना पड़ता है सक्सेस को हासिल करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर मोगवंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गोंगडोंग मोनास्ट्री कितनी रोटेन हो गई है। और ये बात भी सच है कि उन्हें मार्शल आर्ट्स के सिवा कुछ ज्यादा पता नहीं होता। पर अभी मुहे भी नहीं जानता कि मुहे का सर काटने के लिए कितना उतावले हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ करना जैसे के लिए कोई ब्लेसिंग होगी, इसलिए पहले उसके मेरेडियंस को डैश करना पड़ेगा और उसके लाइफ को एटलीस्ट ताइपिंग के लाइफ का दोगुना ज्यादा बदतर बनाने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। और वो आज से मोनेस्ट्री के साथ रोटे लोगों को निकालने का काम किया जाएगा और जो भी आकर इसका विरोध करेगा पहले उसे ही मारा जाएगा और वो सभी को उनका सजा पाने को तैयार हो जाने को कहते हैं। उसके बाद मोगवंग आकर ताइपिंग से माफी मांगते हैं, पर उन्हें पता है कि उनके साथ जो भी हुआ है उन्हें एक माफी दूर नहीं कर सकती। पर अभी से गोंगटोंग मोनेस्ट्री सब कुछ करेगी उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और वो फिर से उनसे माफी मांगते हैं। वो दूसरे चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पर ताइपिंग अपने सीनियर को उनसे ऐसे माफी मांगने को मना करते हैं क्योंकि जो होना था हो गया है तो उन्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मोगवंग कहते हैं कि उसे जो भी हो सकेगा वह करेंगे सब चीजों को ठीक करने के लिए। उसके बाद मोगवंग जिनमु को देखकर सोच रहे थे। उन्हें लगा था कि उनके पास जितने पावर है वो हाईएस्ट रैंक को हासिल कर सकते हैं, पर जिनमु के साथ बस एक फाइट करने से उनकी पूरी घमंड टूट गई और वह सोच रहे थे कि क्या जिनमु को नेचुरल प्रोडिजी है। सेवन लॉर्ड्स कास्ट को विटनेस करने के बाद ये बिलीव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि जिनमु जैसा मार्शल आर्ट्स अभी भी बचे हुए हैं और जिनमु के पास पावर है पोटेंशियल वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने की। मोगवंग फिर जिनमु के पास आकर बताते हैं कि उन्हें सारी बात पता चली है और उनकी वजह से उनका यहाँ पर एक दिन बर्बाद हो गया। पर वो जिनमु को थैंक्स भी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें मनुष्य करप्ट लोगों के बारे में पता चल पाया। और फिर वो जिनमु को थैंक्स कहने के लिए एक थ्री माइंडर स्कॉलर जिनवोल के बाद बताते हैं जो कि उनका दोस्त है और वो उनकी हेल्प करेगा और उसे पूरे भीड़ में पहचान पाना काफी आसान है। अगर वो जाकर उसे उसका नाम बताएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों की हेल्प करेगा। जिनमु इसके लिए थैंक्स तो कहता है पर पूछता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो मोगवंग बताते हैं कि जिनमु का उनके ऊपर बस एहसान ही नहीं, उन्हें लगता है कि जिनमु को जिनवोल के साथ एक बार मिलना चाहिए। जिनमु फिर उनसे माफी मांगता है पहले अपने खराब बर्ताव के लिए। मोगवंग फिर उसका नाम सुनने के बाद उसके बारे में सोच रहे थे और तभी उन्हें कुछ समझ में आ जाता है और कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगले दिन सब इस शिप में चढ़ रहे होते हैं। जिनमु सोच रहा था कि जबकि उसने कल रात को सबको अपनी पावर दिखा दी है, सभी उसे यहाँ पर खौफ की नजरों से देख रहे हैं और वो सोचने लग जाता है कहीं वो बहुत जल्दी इंपेशेंट तो नहीं हो गया। पर अभी चीजें उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी। उसके बाद सब शिप पर बैठकर नदी को पार करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और जिनमु हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वो देखता है कि मुंजंग उसे बड़े एक्साइटेड होकर देख रहा है और उसे पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिनमु बताता है कि मिस्टर हुआंग जो उसे थ्री फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहे थे वो कोई एवरेज कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है। पहले लग सकता है कि उसे भी खराब है क्योंकि इसके पास काफी कम है, पर एक बार उसने रियल स्टेज को हासिल कर ली उसके प्रोग्रेशन की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसे बिल्कुल भी इंपेशेंट नहीं होना है और टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप करके मास्टर करते रहना है। और वो उसे एडवाइस भी देता है कि उसे हैवी स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए और उसके पास अभी जो स्वॉर्ड है उसे चार गुना ज्यादा लंबी स्वॉर्ड होनी चाहिए क्योंकि जिनमु ने मोनजंग के फिजिक को देखा है, उसके पास पोटेंशियल है बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनने का। अगर उसने एनफ ट्रेनिंग करी और एक हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड का यूज करा तो ये उसकी काफी हेल्प करेगी। मोनजंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि उसके पास भी ऐसे पोटेंशियल है। उसके बाद एक सीन कट होता है और वो सभी साचुन प्रोविंस पहुंच जाते हैं।
उसके बाद एक सीन कट होता है और सब साजन प्रोविंस पहुंच जाते हैं और आज वो यहाँ पर रुक कर रेस्ट करेंगे। और वही रूल है कि अगर एक टीम रेस्ट करेगी तो दूसरी टीम गार्ड करेगी। और यहाँ पर आते यहाँ के मार्केट में मुंजुंग बड़े बड़े स्वॉर्ड को देखने लग जाता है, पर जिनमू का कोई भी स्वॉर्ड पसंद नहीं आ रहा था। तभी जिनमू एक आदमी के पास जाता है जो कि स्वॉर्ड बनाता है। वो आदमी उसे देखकर पूछता है कि क्या उसने अपने ब्लड खुद बनाई है, पर इतने सारा चीजें होने के बाद भी उसने बी हुई स्वॉर्ड को क्यों बनाया। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मिनरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।